Today we are going to discuss calculation of capacitance of three phase for unsymmetric spacing. आज हम लोग unsymmetric spacing पढ़ेंगे. Symmetric spacing हम लोग already third lecture में पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ेंगे unsymmetric spacing. ठीक है, चलिए सबसे पहले unsymmetric spacing में हम देखेंगे. जैसे इसका ट्रांसपोज लिया हमने, थ्री सेक्शन में इसको हमने बांटा है. ठीक है, इसको इस डायग्राम को ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज लाइन ऑफ. ये हमारा ए है. ठीक है, हमने इसको ऐसे लिया है, ये यहाँ आया है और इसको बिल्कुल. और जब ये बी की लेंगे, बी लाइन जब हम लेंगे तो बी लिए हम, ये भी बिल्कुल ऐसे आया और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. और ये सी, क्योंकि हमको ये सिमेट्रिक स्पेसिंग नहीं करनी है, हमें अनसिमेट्रिक है ये. या अनसिमेट्रिक में हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये वाला भी, ये तीन कंडक्टर है, ऐसा भी बना सकते हैं. और यहाँ पे हम ये हैं जो डिस्टेंस ए और बी के बीच में जो है, ए और सी के बीच में, उसको बी टू नाम दिए हैं हम यहाँ पे. ए और सी के बीच में जो है, और ए और बी के जो डिस्टेंस है उसको हम डी थ्री, और बी और सी से डी वन, इसका हम ये नेमिंग किए हैं, इसे यहाँ पे हम नाम दिए हैं. तो यहाँ पे हमको ये लिखा हुआ है, कंसीडरिंग सेक्शन ऑफ ट्रांसपोज लाइन फॉर फेज ए. ठीक है, फेज ए के लिए हम इसको ट्रांसपोज कर दिए हैं, एक भाग में कट कर दिए हैं. अब देखिए पोटेंशियल, यहाँ पे जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल की बात करते हैं. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा पोजिशन वन पे, ट्रांसपोज पोजीशन वन पे क्या होगा. तो यहाँ पे लिखेंगे वी वन, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है, वी वन की बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हम वी वन इक्वल टू वन अपन टू फाइव सेवन नॉट क्यू ए, यहाँ पे चार्ज लिए हैं, यहाँ पे ए का क्या होगा, क्यू ए होगा चार्ज, बी का क्यू बी और सी का क्यू सी. ठीक है, और जब हम ए की बात करते हैं तो उस कंडक्टर क्या रेडियस की बात करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो क्यू ए लॉग ही इंटू वन अपॉन आर प्लस क्यू बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए से बी की बात कर रहे हैं, तो ये होगा डी थ्री. ठीक है, यहाँ पे इसलिए डी थ्री लिखे हैं. और क्यू सी की बात कर रहे हैं, ए से बात कर रहे हैं ना, ट्रांसपोज ए से, इसलिए यहाँ पे क्यू सी लॉग ई वन अपन डी टू. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे समझना है कि डी थ्री कहाँ लिखना है, डी टू कहाँ लिखना है. तो क्योंकि ये पोजीशन ए की बात कर रहे हैं, ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे उस कंडक्टर का रेडियस लेते हैं. और क्यू बी लॉग ई आया, तो ए से बी का देखते हैं, ए से बी, तो यहाँ पे डी थ्री है, इसलिए डी थ्री लिख दिए हैं. क्यू सी लॉग ई वन अपन आर टू, तो ए से सी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे डी टू है, इसलिए डी टू लिख दिए हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड पोजिशन बी टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज क्यू ए लॉग ई वन अपॉन आर एज इट इज प्लस क्यू बी लॉग ई वन अपॉन डी वन. वन अपॉन डी वन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सेकेंड पोजिशन की बात किया है. ठीक है, बी से सी इसलिए, और क्यू सी इसलिए यहाँ पे D3 लिखे हैं, क्योंकि B से A की, जब हम B की बात करेंगे तो B से C की बात करेंगे और B से A की बात करेंगे, इसलिए. ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ थर्ड पोजीशन में भी एडीजी यहाँ पे लिखेंगे V3 इक्वल टू वन अपॉन टू पाई सेवन नॉट क्यू ए लॉग ई वन अपॉन आर प्लस क्यू बी लॉग ई वन अपॉन डी टू. बी थ्री की बात कर रहे हैं, थ्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से ए की जब बात करेंगे तो हमारा डी टू आएगा, और यही सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा सी से ए की बात करेंगे और सी से बी की बात करेंगे, इसलिए वन अपॉन डी वन. ठीक है, अब ये तीनों का हमारा ए बी सी तीनों आ गया, अब बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस वही है. अब हम तीनों का एवरेज निकालेंगे. एवरेज निकालने के लिए क्या आएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन थ्री. ठीक है, और हम लोग ये ऑलरेडी हमने ये हमको पता है कि क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इक्वल टू जीरो होता है, तो माइनस क्यू ए इक्वल टू क्यू बी प्लस क्यू सी होगा. ठीक है,
ये दोनों को हम माइनस यू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, एल जी टी लिख दिए हैं, टू पाई एप्सिलॉन नॉट, टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये थ्री है, थ्री यहाँ ना लिखने के बजाय हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, थ्री को बाहर निकाल दिए हैं। क्यू ए लॉग ई वन अपॉन आर क्यू हो जाएगा, ये और ये और ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम आर क्यू, ठीक है, और प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी एक साथ ले लिए हैं हम, एक प्रोसेस इसको यहाँ पे स्किप कर दिए हैं, क्यू बी प्लस क्यू सी कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेम है, जब हमने ये अभी देखा ना, और जब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे लॉग ई वन अपन डी वन प्लस डी टू, सॉरी लॉग ई वन अपन डी वन डी टू डी थ्री ये लिख दिए हैं हम, ये हो गया। अब ये दोनों को यहाँ पे सिक्स भी लिख सकते हैं, सिक्स टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हम पढ़ चुके हैं क्यू ए प्लस क्यू सी, सॉरी क्यू बी प्लस क्यू सी इक्वल टू माइनस क्यू ए भी हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे हम ले आए माइनस में, ठीक है, माइनस क्यू ए, और इसको एज इट इज लॉग ई डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करके क्यू ए, अब क्यू ए इस दोनों को कॉमन ले लिए हैं, ये फॉर्मूला हम देखे थे ना, लॉग इन माइनस क्या होता है, लॉग इन अपॉन एन ये होता है, तो इसको हम बिल्कुल ऐसा ही ले लिए हैं, बस यही वाला हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे हम ये लिख दिए हैं, ठीक है, क्यू ए हम अपना कॉमन आ गया, ये हम बाहर लिख दिए, और यहाँ पे हम ये हमारा एन है, ये हमारा एम है, इसलिए एम अपॉन एन हो गया, ये ऊपर गया, ये आर थ्री नीचे आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब वन अपॉन टू पाई ये चलो नॉट, यहाँ पे अगर हमको वो करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वन अपन थ्री क्यू ए लॉग ई डी अपन डाई, और यहाँ पे वन अपन थ्री, ठीक है, टू पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे वी ए इक्वल टू होता है टू पाई, सॉरी क्यू ए अपन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वन अपन थ्री जो था ये है ना वन अपन थ्री, इसको यहाँ पे हम ले गए हैं इधर, इन लॉग एम को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग इन अपॉन एम इसको हम इधर लेके जा सकते हैं एम, ठीक है, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल हम वही किए हैं, इधर जो इनटू में है वन अपॉन थ्री, इसको हम यहाँ पे रूट में ले गए हैं वन अपॉन थ्री, ठीक है। अब कैपेसिटेंस फ्रॉम कंडक्टर टू न्यूट्रल, ठीक है, अब कैपेसिटेंस हमको देखना है कंडक्टर से न्यूट्रल की तरफ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है हमारा वी, हमको पता है कि वी क्या है, तो हम इसको पुट कर देंगे टू पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए से क्यू ए तो कट जाएगा, ठीक है, टू पाई तो ये ऊपर आ जाएगा, टू पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई थ्री, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना अपन आर, क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री क्यू है और ये इधर ब्रैकेट में वन अपॉन थ्री है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट होता है फ्रेडे पर मीटर, तो ये हमारा आ गया किसका आया है, फेज ए का आया है हमारा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, जब हमारा कंडक्टर जो है अनसिमेट्रिकल रहेगा उसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है थ्री फेज में, तब हमारा ये फॉर्मूला होगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग ई थ्री रूट क्यू डी वन डी टू डी थ्री अपॉन आर फैराडे पर मीटर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि हमको इसका न्यूमेरिकल नहीं देखना है, पर फिर भी हम एक न्यूमेरिकल इसका अभी
देख लेते हैं, इसका हमको न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है, पर हम एक न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, फाइंड आउट कैपेसिटेंस फॉर सिंगल फेज लाइन। सिंगल फेज लाइन है जिसका लॉन्ग कितना लंबा है, ये 330 किलोमीटर, कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल वायर, दो पैरेलल वायर को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, इतना एमेंट उसका डायमीटर है एंड इतना अपार्ट है, ठीक है। ये तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, हमको रेडियस दिया है इसका, कितना रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायमीटर की बात कर रहा है, इतना ईच वायर, सॉरी डायमीटर इतना है, ठीक है, और दोनों के कंडक्टर की दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो ये डायमीटर दिया हुआ, जिससे हम रेडियस निकाल लेंगे डिवाइड करके, ठीक है। अब स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर है तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसको मिलीमीटर में ये इतना इसको कर लीजिए, क्योंकि एक ही यूनिट में रहेगा ना सब, तो हमको साफ करने में आसानी रहेगा, क्योंकि आगे चले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ लाइन, अब हमको सी निकालना है। सिंगल फेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम ये पढ़े थे, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लॉग डी अपॉन आर इनटू लेंथ इन मीटर। कितना लेंथ है इसका, ठीक है, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में हम चेंज किए हैं यहाँ पे, और पाई लिख दिए हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और या 3.14 या, और एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.854 × 10⁻², ठीक है। अब अपॉन लॉग ई, अब डी कितना है, डायमीटर कितना है हमारा, ठीक है, इतना हमारा डायमीटर है, अपॉन इसको अपॉन आर है, आर है, ठीक है। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये सब को सॉल्व कर लेंगे, हमारे ये माइक्रो फैराडे में आ गया है बिल्कुल, क्योंकि सी का जो वैल्यू जब हम लिखते हैं, इसका बनाते वैल्यू लिखते हैं, हमारे सब माइक्रो फैराडे में आता है, तो हम इसको कुछ नहीं किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग के पास कैल्सी होगा, उससे आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। यहाँ 2 0 से 2 0 ऐसे कट गया, ये 15 है, 15 से 30 300 कटेगा, ऐसे आप काट के इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइक्रो फैराडे में, आंसर आ गया 0.15775 माइक्रो फैराडे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो अब हम इसको देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट से हमको क्या है, इसको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके ऊपरी जो लेयर है उसके इफेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर, क्योंकि जब ये करंट फ्लो होगा ओवर दी सरफेस, करंट फ्लो होगा तो यहाँ जो हमारा सेंटर होता है वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो क्या होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ पे नो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, उसके सेंटर में। अब देखिए, यहाँ पे हमने कंडक्टर बनाया है, जैसे यहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो सेंटर पे हमारा क्यों कम करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे इधर आएगा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ता रहेगा, पर फिर भी यहाँ से यहाँ पे हमारा फ्लक्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन है उसको हम यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको देखे हैं, जो हमारा सेंटर पे क्या होगा, सेंटर और स्किन, ये दोनों को हम अलग अलग देखे हैं कि आप लोगों को समझने के लिए। मोर फ्लक्स लिंकेज, यहाँ पे और सेंटर में हमारा फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, साई हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, साई ज़्यादा होगा, और स्किन इफेक्ट पर साई कम होगा। अब इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू साई अपॉन आई, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एन फाई अपॉन आई, ये भी होता है, तो क्योंकि हमारा साई ज़्यादा है इसलिए एल ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि यहाँ पर साई कम है इसलिए एल कम होगा इंडक्टेंस, क्योंकि एल ज़्यादा है इसलिए एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो यहाँ पे
अब ये हम पढ़ रहे हैं एसी में, पढ़ रहे हैं हम ये एसी में, अब डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता है हम यहाँ पे इस फॉर्मूला से देखेंगे, ठीक है। एक्सेल एक्सेल हो गया यहाँ पे, तो एक्स टू पाई एफ एल, एल का एल ज्यादा होगा स्किन इफेक्ट में, सेंटर में इंडक्टेंस ज्यादा होगा इसलिए एक्सेल भी ज्यादा होगा, यहाँ पे एक्सेल ज्यादा होगा इसलिए इम्पीडेंस भी हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पे मोर इम्पीडेंस है तो क्या होगा, लेस करंट फ्लो होगा, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर ये जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है तो यहाँ पे टू पाई एफ एल, अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो ही हो गया पूरा, इसलिए हमारा ये डीसी में नहीं होता है स्किन इफेक्ट, कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है डीसी में, ठीक है, क्योंकि सब जीरो हो जाएगा इसलिए। अब एक्सेल कम है इसलिए जेड एल भी कम होगा, अब क्योंकि यहाँ पे लेस इम्पीडेंस है इसलिए मोर करंट होगा, तो इससे हमको क्या पता चलता है, फिर इससे डेफिनेशन इसका क्या होगा स्किन इफेक्ट का, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट फ्लो, यूनिफॉर्म करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, सेंटर में कम करंट है और ये स्किन में, इसके अपर सरफेस पे ज़्यादा करंट है, तो इसका इसलिए इसका ये हो सकता है डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट फ्लो थ्रू आउट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। मेनली जो होता है फ्लो ऑफ करंट नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए हमारा क्या होता है यहाँ पे, और इसी कारण से हमारा फ्लक्स जो है वो लिंकेज होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज तो होता है पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज होता है, तो क्या द मेन रीजन ऑफ स्किन इफेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, इज रिड्यूस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे हम इसका रेडियस जो है, इसका एरिया, इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, एरिया रिड्यूस करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा हमारा। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द कंडक्टर शुड अलाउ कैरी अ करेक्ट विच इज लेस देन डिजाइंड वैल्यू, मतलब हमको देखना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंडक्टर, हमारा कंडक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है, फिजिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल, ये आ रहा है बिल्कुल। अब ये दोनों का एरिया जो है, फिजिकल जो एरिया है वो ज़्यादा होता है इफेक्टिव एरिया से। अब देखना क्योंकि हमारे ये पढ़ लिए कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है पूरे सरफेस पे, इसीलिए हमारे क्या होता है यहाँ पे करंट अच्छा फ्लो हो रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है स्किन पे, सेंटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होती है सेंटर पे, स्किन पे फ्लक्स लिंकेज कम होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा सेंटर पे और स्किन पे कम होगा, तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हमारा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे हम, तो क्योंकि हमारी फिर इफिशियंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पावर फैक्टर, हमारे स्टेबिलिटी सब पे ये फ़र्क पड़ सकता है, इसीलिए अब हमको देखना है कि अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं स्किन इफेक्ट को। तो साइज ऑफ कंडक्टर, अगर हम छोटा साइज लेते हैं, ठीक है, अगर इतना छोटा साइज लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, स्किन इफेक्ट कम होगा, फ्रीक्वेंसी हमारी देखिए फ्रीक्वेंसी का एसी में तो 50 हर्ट्ज ही होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी अच्छा इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा स्किन इफेक्ट, एसी से है एस और ई से स्किन इफेक्ट। कंडक्टर ऑफ साइज इंक्रीज करेगा तो स्किन इफेक्ट इंक्रीज करेगा, इसीलिए कंडक्टर ऑफ साइज रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा स्किन इफेक्ट कम हो। अब म्यू आर, यहाँ पे हम परमिबिलिटी का बात किए हैं कि अगर ये बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे
म्यूआर जब फ्लक्स लिंकेज होगा तो म्यूआर आएगा ना, तो अगर वो बढ़ता है ठीक है तो हमारा स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका ये फैक्टर होता है, ये कि फैक्टर लिए के स्किन इफेक्ट का, के इक्वल टू आर ए सी अपॉन आर डी सी। आर डी सी इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पे स्किन इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये लिए है ठीक है। इसका होता है 1.6 फीट सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर के लिए होता है 1.6 स्किन इफेक्ट होता है ठीक है। पर स्टैंडर्ड सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये हम कंडक्टर का टाइप्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ठीक है। तो अभी ये K इक्वल टू सिक्स होता है फॉर सॉलिड कंडक्टर के लिए, और K जो होता है लेस देन होता है 1.6 के स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए। ये अब हम देख लिए कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है ठीक है, क्यों होता है स्किन इफेक्ट। जब ये करंट फ्लो नहीं हो पा रहा अच्छे से तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज लिंकेज पे असर होगा, फ्लक्स लिंकेज यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो रहा है तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, फिर इंडक्टेंस का फिर एल अगर ज़्यादा हो रहा है इंडक्टेंस, एक्सएल भी ज़्यादा हो रहा है, एक्सएल अगर ज़्यादा हो रहा है तो जेडएल भी, इम्पीडेंस भी हमारा ज़्यादा होगा। तो अगर ये इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो हमारा करंट कम फ्लो होगा ठीक है। और यहाँ पे सेम है स्किन इफेक्ट में, हर चीज़ फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो इंडक्टेंस कम होगा, तो एक्सएल कम होगा, फिर तो जेडएल भी कम होगा, लेस इम्पीडेंस होगा। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो हो रहा है सरफेस पे ज़्यादा और सेंटर पे कम, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से करंट फ्लो यूनिफॉर्म करंट फ्लो नहीं हो रहा है पूरे कंडक्टर में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट का मेन कारण ये है, फ्लक्स लिंकेज अच्छे से नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। जब करंट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ तक आ नहीं रहा है सेंटर तक, तो फ्लक्स लिंकेज अपने आप जो है बढ़ेगा ड्यू टू स्किन इफेक्ट। अब ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब क्योंकि हमको फिर मटेरियल पे स्किन इफेक्ट किस चीज़ पे मैटर करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल क्या है, साइज कंडक्टर का क्या है, ये सारी चीज़ पे हमारा जो है स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है ठीक है। अब हम बात कर लिए एक कंडक्टर की, जब एक कंडक्टर रहेगा, अब अगर दो कंडक्टर रहा तो क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो हम स्किन इफेक्ट देख चुके हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसको फैक्टर इफेक्टेड क्या होता है, कैसे ये इफेक्ट करता है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे कि साइज अगर बढ़ाते हैं कंडक्टर का तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, साइज अगर कम करेंगे तो कम होगा। इसका मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसे टाइप्स ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, सॉलिड कंडक्टर में 1.6 होता है और स्टैंडर्ड कंडक्टर में 1.6 से कम होता है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे उसके नेचर पे, उसके मटेरियल पे, ये सब पे डिपेंड करता है हमारा स्किन इफेक्ट ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के लिए हमको क्या करना है, स्किन इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर एक कंडक्टर के लिए होता है, और ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में हम देखेंगे कि दो कंडक्टर के बीच में क्या होता है ठीक है। दो कंडक्टर, ये कंडक्टर वन है, ये कंडक्टर टू है, कंडक्टर वन का ये दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए ठीक है, आधे पार्ट को एक्स वन और आधे पार्ट को वाई वन, कंडक्टर टू में आधे पार्ट को एक्स टू और आधे पार्ट को वाई टू। और ये एक्स वन और एक्स टू जो है इसको हम लिए हैं इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस लिए हैं एक्स वन और एक्स टू को, और वाई वन और वाई टू को लिए हैं एक्सटीरियर सरफेस। अब ऑब्वियसली ये दो कंडक्टर हैं तो ये दोनों का कंडक्टर का ये हमारा जो क्या है इंटीरियर है, और ये बाहर का क्या है ये एक्सटीरियर। इसलिए अब हम केस वन लेते हैं कि दोनों कंडक्टर में जो है करंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ठीक है, ये ले लिए हम यहाँ पे, तो दोनों का सेम फ्लो हो रहा है, तो या तो क्रॉस या डॉट ये दोनों से करंट को हम शो करते हैं। तो जब ये करंट जो है डॉट से शो कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होता है, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है और करंट अंदर की ओर ये जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल से हमको ये पता चलता है, करंट अगर अंदर जाए तो फ्लक्स जो है वो, फ्लक्स जो ऐसे आ रहा है फ्लक्स
एक बात करते हैं, ऐसा आ रहा है ना, तो ये हमारा ये जो फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड को ये करता है, और ये जो हमारा ये भी सिर्फ फ्लक्स की बात करेंगे तो ये हमारा जो क्या है फ्लक्स ऐसे आ रहा है, तो इसको हम ऐसे करके ये फ्लक्स की डायरेक्शन बता दिए हैं, ठीक है। अब वही जो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे क्योंकि हमारा जो अंदर की ओर जा रहा है तो ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे आके यहाँ से आ गया इधर इंटीरियर पार्ट के लिए। अब देखिए क्योंकि इंटीरियर पार्ट में हमारा जो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, एक्सटीरियर में क्या होगा ये फ्लक्स ज़्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा, हमको यही पता चल गया, ठीक है। इंडक्टेंस भी इसमें कम होगा, फ्लक्स लिंकेज कम है, इससे क्या होगा ये भी हमको ज़्यादा होगा, फिर जेड एल भी ज़्यादा होगा, करंट क्या होगा कम होगा, ये एक्सेल कम होगा, इम्पीडेंस कम होगा, और ये करंट जो है वो ज़्यादा होगा, करंट फ्लो ऑफ करंट जो शेयर में वो ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा कम होगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज जो है हमारा वो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म तो खैर दोनों में ही होगा, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज जो है इंटीरियर में ज़्यादा होगा, इसलिए क्या है करंट ऑब्वियसली है, यहीं से पता चल रहा है हमको कि कम होगा। चलिए अब हम केस ये तो ले लिए कि हम जो सेम डायरेक्शन में हमारा जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, अब हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हम डिनोट किए हैं डॉट से कंडक्टर वन में और कंडक्टर टू में क्रॉस से किए हैं, अगर एक अंदर कंडक्टर जा रहा है तो दूसरा क्या है बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा दोनों का फिर ये क्लॉकवाइज में हो जाएगा, है ना, तो इसमें क्या होगा फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, उसमें भी इंटीरियर में फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हम तो बात कर लिए हैं कि अगर दोनों सेम जैसा होगा तो क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, ठीक है, ये अलग अलग केस देख लिए। अब हमको ये देखना है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कभी भी होता है तो दो कंडक्टर या दो से ज़्यादा का ही होता है बीच में, ठीक है, एक कंडक्टर के बीच में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होगा तो फिर वो स्किन इफेक्ट हो जाएगा एक कंडक्टर की बात करेंगे तो। अब क्योंकि इसमें हमारा देखना है कि हम किसको इसको ओवरकम कैसे करना है, तो साइज ऑफ कंडक्टर अगर इंक्रीज करेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो कंडक्टर के साइज को हमको डिक्रीज करना है, ठीक है। ये पूरा जो बात कर रहे हैं हम, ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज होता है, इस कारण से हमको ये इफेक्ट होता है। अब ये क्योंकि हमारा अब फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, म्यू आर सेम उसमें भी बिल्कुल इसमें भी वैसा ही है, यहाँ पे क्या होगा फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, यहाँ पे एच कंपेयर कम होगा, म्यू आर की बात करते हैं, अगर म्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, अगर कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है दोनों का, दोनों कंडक्टर का एक दूसरे पर क्या होगा इफेक्ट कम होगा। अब ये बात ऐसे जब फ्लक्स की बात करेंगे तो ये आउटर भी कुछ रहेगा, आउटर भी कुछ रहेगा, तो ये दोनों का जो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इफेक्ट होगा, जैसे हम एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज में पढ़े थे, तो यहाँ पे अगर ये दूर रहता है इसका डिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा रहेगा तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होगा, और ये भी जो है हमारा डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, और मटेरियल का कैसा बना है, मटेरियल किस चीज़ से बना है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, और ये भी एसी में होता है डीसी में नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल हम जैसे एक्सेल का वहाँ पे लिए थे टू पाई एफ एल, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है डीसी में जीरो होता है, इसलिए डीसी में नहीं होता है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एसी में। तो यहाँ पे हम देख लिए कि स्किन इफेक्ट ज़्यादा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा एग्जाम में तो नहीं आता है, पर ये हमको ये
समझने के लिए कि हमको कैसे होता है अप्रॉक्सीमेटी इफेक्ट, हो सकता है कि इसका कहीं कुछ एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है।